तारीख ने लिखा, जैसे ही यजीद इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, सब ये कहने लगे क़ियाम को लूट लो और इमाम हुसैन की लाश से जो कुछ मिले उसको छीन लो। कुछ जालिम क़ियाम को लूटते हैं और कुछ जालिम इमाम हुसैन के जिस्म से कपड़े उतारते हैं। अल्लाहु अकबर। जब जालिमों ने तमाम सामान को लूट लिया तो इतने में एक जालिम इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आता है और इमाम हुसैन के हाथ में पहनी हुई अंगूठी को देखता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी अंगूठी नहीं उतरती तो इमाम हुसैन उनकी उंगली को काटना शुरू कर देता है। ये मंज़र बीबी ज़ैनब दूर से देखते ही तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और अल्लाह से कहते हैं, ऐ अल्लाह देखिए जालिम तेरे हुसैन के जिस्म पर भी रहम नहीं करते, उसको काट काट कर लेके जा रहे हैं। फिर इमाम हुसैन की लाश को पामाल किए जाते हैं। तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन के जिस्म पर घोड़ों को इस तरह दौड़ाया जाता है कि इमाम हुसैन का पूरा जिस्म पामाल हो जाता है, आपके जिस्म की हड्डियाँ खाक होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाहु अकबर। आपके जिस्म का गोश्त ज़मीन करबला में बिखर जाता है, आपका सीना और पुश्त एक साथ हो जाता है। यजीद झूम जाते हैं और आले मोहम्मद रोती रहती है। Oh,